हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गौर क्रिएशंस। तो आज है 7 जनवरी, 4 को मैं इधर देहरादून आ गया था और बीच में 2 दिन मैं मसूरी गया हुआ था। दोस्त वगैरह आए हुए थे दिल्ली से, उनके साथ वहाँ मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं। बाकी आज मैं प्लान कर रहा हूँ मसूरी जाने के लिए दोबारा। एक प्रॉपर्टी है वहाँ पे जो कि हम जैसे ट्रैवलर्स के लिए ही बनी है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए कैसी है कैसी नहीं है। अपनी स्कूटी लेके जाऊंगा। मौसम आज अच्छा है, 2 दिन से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वो तो अच्छा है। दोस्त वगैरह गाड़ी में आए थे, वरना अगर 2-व्हीलर पे होते तो आई डोंट थिंक हम कहीं निकल पाते या जा पाते। बट आज होपफुली वेदर अपने साथ है, ऊपर जाएंगे मसूरी में सोलो एक्सप्लोर करेंगे। आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसको इग्नोर करना। बाकी यार देहरादून का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? यहाँ से ना पहाड़, बहुत पहाड़ है और मैं वो बंदा हूँ जिसको पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो पहाड़ जो है, ये अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये बस देहरादून इतना सा है और वो पीछे पहाड़ चालू हो जाते हैं मसूरी के। और ये पूरा जो है पीछे इस साइड भी है, अगर इस साइड में आप लोगों को दिखाऊं, इस साइड भी पहाड़ है। पता नहीं मुझे इसमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बट उधर भी पीछे पहाड़ है, वो फॉरेस्ट एरिया है पूरा उधर। और उधर ये पूरा देहरादून शहर है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और वो पीछे जो पहाड़ आप सबको दिख रहे हैं, पूरी जो रेंज है ये सारे मसूरी के पहाड़ हैं। प्लान यही है, ऊपर चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं, बाकी देखते हैं कैसा जाता है। तो फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ रोड पे, बाय। तो जी अपडेट ये है कि देहरादून से निकल रहा हूँ अब, फ्यूल अप करवा लिया है, फ्यूल फुल करवा लिया है, नेविगेशन लगा लिया, एक छोटा बैग ये लिया मैंने और एक बैग मेरे शोल्डर पर है। अब पीछे माउंट नहीं कर रखा, पीछे वाला सामान मैंने देहरादून में ही छोड़ दिया। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा रहता है हिसाब। बजरंगबली महाराज की जय। चलो भाई मसूरी की तरफ। तो ये जो आप देख रहे हो, ये बहुत ही फेमस शिव मंदिर है यहाँ का और बहुत ही पुराना मंदिर है। बाकी क्योंकि मैंने अभी बहुत सारा सामान है तो अंदर जा नहीं रहा, रिटर्न के टाइम पे देखता हूँ। बाकी भोले बाबा कृपा बनाए रखना, जय भोले। नीचे सारा देहरादून है, क्या बढ़िया व्यू है। ये जो आप देख रहे हो सारा, ये देहरादून का बाइकर्स पॉइंट कहलाता है। ज़्यादातर बाइकर्स यहीं पे आते हैं जैसे संडे राइड वगैरह पे। बाकी चलते हैं आगे, मिलते हैं रास्ते में। Thank you.
कितने? 12 12 रुपए यार, खुले तो नहीं है। दे रहा हूँ 2 रुपए। आगे कहीं दिखानी तो नहीं पड़ती? नहीं भाई, यहीं पे ही चेक करते हैं। अभी यहाँ दिखानी है? अगर पूछेंगे तो इशारा कर देना ना यार। ना ना, देखेंगे नहीं। बस तो जी पर्ची कटवा ली है, 12 रुपए की पर्ची काटी है स्कूटी की, मतलब टू व्हीलर का 12 का है। अब यहाँ से हम ऑफिशियली मसूरी में एंटर कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? कर गए हैं। जी अपडेट ये है, पहाड़ों में तो पहुँच गए हैं ऊपर, और नज़ारा देखो आप यहाँ, क्या नज़ारा। और तो मौसम भी बहुत बढ़िया, मीठी मीठी ठंडा धूप निकली हुई है। वो मेरे को पता नहीं सामने देख पा रहे हो तो वो रोप वे है, भट्टा फॉल करके एक जगह है वहाँ जाने के लिए। नीचे अगर उधर आपको पानी दिख रहा हो तो वहाँ पे वाटरफॉल बना हुआ है एक, और क्या ग्रीनरी है। चलते हैं आगे, अपनी मंजिल अभी दूर है। मसूरी के बारे में, पहाड़ों की रानी में आपका स्वागत है, है ना? बाकी चलते हैं आगे। तो जी ये हम मसूरी पहुंच चुके हैं। ये है मसूरी का फेमस लाइब्रेरी चौक, ये मेन पॉइंट है मसूरी का। तो जी हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, और आप नज़ारे देखो, ओहे बर्फ़ के पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं, ग्रीन माउंटेन फिर उसके पीछे वाइट माउंटेन, ओहे मज़ा ही अलग है। चलते हैं जी आगे अपनी मंजिल की तरफ। ऑटो पायलट फीचर है टेस्ला वाला, जिसमें अपने आप चलती है, बट ये फीचर कंपनी जो है ना अनलॉक करके नहीं देती। तो ये फीचर आपको अनलॉक करवाना पड़ता है। तो ट्राई मत करना इस चीज को, रिस्क किया क्योंकि ऑलमोस्ट सस्ता कवर हो गया है। ये मैं रुका हूँ, ये शायद से क्या पक्का है, ये हेलीपैड है जैसा कि आप देख सकते हो। ये अपनी स्कूटी खड़ी है और ये ऊपर सूरज निकला हुआ है, और ये हेलीपैड है, और ये 360 डिग्री व्यू है जी। यहाँ पे व्यू तो बहुत प्यारा है, मगर व्यू को और प्यारा पता है क्या बना देगा? वह चाय होगी ना। ओए हो,
360 डिग्री व्यू चाय, मज़ा ही आ जाएगा। तो चाय पीते हैं। चाय मैं हमेशा ना जब ऐसी जगहों के लिए निकलता हूँ तो अपने साथ कैरी करके चलता हूँ, क्योंकि क्या होता है चाय तो आसानी से मिल जाती है हर जगह, और पहाड़ों में नज़ारे भी मिल जाते हैं, मगर नज़ारे और चाय दोनों एक साथ मिलना ना वो थोड़ा मुश्किल जाता है कभी कभी। तो उसका रिस्क नहीं लिया मैंने, चाय अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। तो चाय पीते हैं यहाँ पे और फिर अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। तो जी चाय ब्रेक के लिए रुके थे, ये रही अपनी चाय, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाय को पीने का असली मज़ा ना इसी के अंदर है मेरे अकॉर्डिंग, बाकियों का पता नहीं। तो चाय पीते हैं, मिलते हैं फिर। Cheers.